वेलकम गाइस, सातों लोन एप्लीकेशन के आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो 4.6 स्टार इसका रेटिंग्स है और 100K से भी ज़्यादा डाउनलोड्स है। तो ये एप्लीकेशन कैसा है, रियल है या फेक है, इस एप्लीकेशन पे आप लोगों को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितने दिनों के लिए आप लोगों को लोन मिलेगा, क्या क्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इस एप्लीकेशन पे आते हैं, एप्लीकेशन RBI के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। कस्टमर केयर के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को रियलिटी बताने वाला हूँ इस एप्लीकेशन की। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, सारी डिटेल्स सही नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे आप लोगों को रियलिटी बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन पे आप लोग मिनिमम 5000 से मैक्सिमम 1,00,000 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों को 30,000 to 40,000 ही लोन मिलेंगे, उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेंगे। जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो, 0% से 29.95%, मतलब 0% से 30% यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी में आप लोगों को हाई ही इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। आपके इंटरेस्ट रेट अप टू 40 to 45% तक जा सकता है, ठीक है, प्लस आप लोगों को यहाँ पे GST भी देना पड़ेगा जो कि 18% है। तो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे देना पड़ेगा। यहाँ पे जो रिपेमेंट पीरियड इन लोगों ने बताया है 91 days से 15 months, ऐसा नहीं है गाइस, आप लोगों को रिपेमेंट पीरियड शॉर्ट ही मिलेगा। ऐसी एप्लीकेशन पे रिपेमेंट पीरियड शॉर्ट ही मिलता है। ऐसे अगर आप लोग पूछो कि भाई ये एप्लीकेशन RBI के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं, तो इन लोगों ने बताया है कि ये NBFC के साथ रजिस्टर्ड है। तो आप लोग इन लोगों से सर्टिफिकेट्स वगैरह डिमांड कर सकते हो। अगर आप लोगों को 7 days या तो 6 days के लिए लोन देता है, आप लोगों को रिपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस एप्लीकेशन के अगर एडवांटेज की बात करें, 100% ऑनलाइन लोन आप लोग ले सकते हो, इमीडिएट बैंक ट्रांसफर आप लोगों को मिल जाता है अगर आप लोगों को लोन मिलते हैं तो, ठीक है। अगर आप लोग इंडियन रेसिडेंट हो, 18 years से आपकी एज ज़्यादा है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी बैंक स्टेटमेंट का भी ज़रूरत होगा। यहाँ पे बस आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आप लोग KYC कंप्लीट करते ही आप लोग लोन अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप लोग कस्टमर केयर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखना चाहते हो, यहाँ पे जीमेल एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप लोग कस्टमर केयर के साथ मेल करना चाहते हो तो इसी जीमेल ID पे आप लोगों को मेल करना पड़ेगा। तो गाइस, इस एप्लीकेशन पे बहुत कुछ इश्यूज भी है। आप लोग अगर लेट पेमेंट करोगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस इस एप्लीकेशन की जो भी लोन रिकवरी एजेंट्स है वो आपको कॉल मैसेज करके परेशान भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के पास आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होता है, तो आपकी कॉन्टैक्ट्स पर भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। बहुत लोगों को इस एप्लीकेशन पर रिजेक्शन मिलता है। बहुत लोगों ने यह भी बताया है कि उन लोगों को ऑटोमेटिक लोन आ जाता है, वो लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं और उसके अकाउंट पर पैसा आ जाता है और हाई इंटरेस्ट लगा देता है। तो गाइस, ये ऐसा ही एप्लीकेशन है, रिक्सी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे आप लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा और कम दिनों के लिए लोन मिलेगा, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए लोन मिलेगा। अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाओगे तो बाद में आप लोगों को यहाँ पे हाई इंटरेस्ट फिर से लगा दिया जाएंगे और आप लोगों को कॉल मैसेज करके भी परेशान किया जाएंगे। यहाँ पे 1 star पे आके हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे काफ़ी सारा इंडियन रिव्यूज़ हम लोगों को मिलते हैं। ऐसे ही इस एप्लीकेशन पे बहुत सारा फेक रिव्यूज़ भी है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट 35 to 40% लोगों से ले रहा है और लोगों को मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए लोन दे रहे हैं। तो देख सकते हो काफ़ी रिक्सी एप्लीकेशन है और प्राइवेट एप्लीकेशन है गाइस। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पे सातल लोन एप्लीकेशन पे अप्लाई करना चाहते हो तो अपने रिक्स पे ही करना। अभी ये सातल लोन एप्लीकेशन रियल है या फेक, इसके बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं। तो गाइस, फेक एप्लीकेशन नहीं है, आप लोगों को लोन मिलते हैं। ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक लोन दे देता है, आप लोग अप्लाई भी नहीं करोगे ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देंगे और आप लोगों से मैक्सिमम 45 to 40% इंटरेस्ट रेट ही एप्लीकेशन लेके जाएंगे। तो ऐसा ही एप्लीकेशन है, अगर अप्लाई करना चाहते हो फिर भी तो कर सकते हो। यहाँ पे जो गूगल प्ले स्टोर पे आके अपडेटेड जो रिव्यूज़ वगैरह है थोड़ा बहुत पढ़ लेना, तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया मिल जाएंगे और आप लोग डिसीजन ले पाओगे कि आप लोगों को अप्लाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो मत ही करो, मैं रिकमेंड तो आप लोगों को नहीं कर सकता। आप लोग क्या सोचते हो सातल लोन एप्लीकेशन के बारे में कॉमेंट पर ज़रूर बताना।
आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू।